बादल से गिरी बलजेडी साल, चर गया सिउल 30 भेड़ की खाल। रान बिनु की हंसा जीवनी, उहल से बाकली सुकेती से। बिनी ट्रिक्स के साथ यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिमाचल की नदियां पार्ट 2। जी अब बात करते हैं हिमाचल की अगली महत्वपूर्ण नदी रावी। रावी धौरादार श्रृंखला में स्थित बड़ा भंगाल नामक स्थान से निकलती हैं। 4,080 मीटर स्थित हैं। धौलाधार मध्य हिमालय में स्थित हैं। भादल और तांतगिरी नामक दो महत्वपूर्ण हिमखंड है जहां से इस नदी का ओरिजन होता है। ये देखिए बड़ा भंगाल कांगड़ा में स्थित है, यहां से इसका ओरिजन होता है। और यहां से ओरिजन के पश्चात ये भुजौल नामक स्थान में जो वो चंबा में प्रविष्ट होती है और चंबा में खेरी नामक स्थान के पश्चात जम्मू में प्रवेश करती है। यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधार की जो श्रेणियाँ हैं, एक तरफ पीर पंजाल है, दूसरी तरफ धौलाधार हैं, इनको अलग करने वाली नदी हैं रावी नदी। आपको जानकारी पहले दी गई है कि बड़ा भंगाल नामक स्थान पर ही पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ एक दूसरे को छूती हैं। धौलाधार की जो उत्तरी चोटी हैं वो पीर पंजाल के दक्षिण भाग को छूती हैं। कांगड़ा और चंबा से बहने वाली नदी है रावी नदी। इसकी कुल विद्युत क्षमता 2,952 मेगावाट है। विद्युत क्षमता के हिसाब से रावी नदी चौथी बड़ी नदी है हिमाचल की। चंबा रावी नदी के दाएं तट पर स्थित हैं और ये ट्रांस बॉर्डर जो वो रिवर है। इसका वैदिक नाम परुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। रावी नदी सतलुज और चिनाब के मध्य बहने वाली नदी है। इसका अपवाह तंत्र 4,551 वर्ग मील है और हिमालय में कुल इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। पंजाब में जो बहने वाली 5 नदियां हैं उनमें सबसे छोटी नदी रावी मानी जाती है। यह हिमाचल की तीसरी बड़ी लंबी नदी है और जो इससे रावी घाटी का निर्माण होता है, इस रावी घाटी को चंबा का बाग भी कहते हैं। यूनानियों ने इसे हाइड्रोइट्स कहा है और रावी शब्द की जो उत्पत्ति है वो रौदी रौती इरौती रावा शब्दों का वर्णित रूप है। ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध जो है इसी नदी के तट पर हुआ था। रावी की सहायक नदियां, सबसे पहले कोगती दर्रे से भादल नदी निकलती हैं जो हरसर के समीप रावी से मिलती हैं। मणि महेश जलधारा उल्लांस के समीप रावी से मिलती हैं। कालीछो दर्रे से तांतगिरी जो कि दूसरी बड़ी सहायक नदी हैं वो भी उल्लांस के समीप रावी से मिलती हैं। आपकी जानकारी के लिए भादल और तांतगिरी दो हिमखंड है, वहाँ से निकलने वाली जो ये धाराएं हैं वही मिलकर के रावी नदी का निर्माण करती हैं। ये भादल तांतगिरी यहाँ देखिए ये कांगड़ा के अंदर स्थित हैं। इसके पश्चात बलजेदी चोरी नामक स्थान से निकलती हैं और सालखड साहू पर्वत से निकलता है और ये दोनों चंबा के समीप रावी नदी से मिलते हैं। ये चंबा है, यहाँ पर जो है ये दोनों मिलते हैं चंबा के समीप। चंबा के अंदर ही चरचिंद नाला है जो कि चंबा भरमौर के मध्य में प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करता है और चरचिंद नाला चतराड़ी के समीप रावी नदी से मिलता है। सिउल रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबा तथा जम्मू के मध्य, ये चंबा और जम्मू के मध्य जो है ये सिउल नदी है, चंबा तथा जम्मू के मध्य में सीमा रेखा निर्धारित करती है। भिलई के समीप तालरू नामक स्थान पर ये रावी नदी से मिलती है। पांगी श्रृंखला से जो बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं रावी की सहायक नदियां हैं वो है अलवास, भेरा, तीसा, चांजू। ये सभी पहले सिउल में मिलती हैं और उसके पश्चात सिउल नदी जो है वो रावी नदी में मिलती है। दागनीधार से निकलने वाला नाला जो है बरनोटा नाला है, ये भी सिउल में ही मिलता है। और चंबा के बाईं ओर जो अंतिम सहायक नदी रावी की है वो सिवोवा है। यहाँ पर ये देखिए जो सिउल नदी है, सिउल नदी के
पहली ये उपनाले हैं जो मैंने आपको बताया, ये उपनाले पहले सिउल नदी में मिलते हैं और उसके पश्चात सिउल नदी जो है वो रावी नदी में मिलती है। अब ये जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ और नाले हैं उसको याद रखना सरल नहीं है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, भादल, तांतगिरी ये कांगड़ा के अंदर है, बलजेडी, सालखड़, अलवास है, वरनोटा है, सिवोवा है, चांजू है, चरचिंद है, सिउल है, तीसा है, भेरा है, ये सारे चंबा के अंदर है। अब इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने शुरू में आपको बताई थी, बादल से गिरी बलजेडी साल, अलवर सी चांजू, चर गया सिउल, तीस भेड़ की खाल। अब यहाँ पर देखिए, बादल का मतलब है भादल, गिरी का मतलब है तांतगिरी, बलजेडी और सालखड़, अल का मतलब है अलवास, वर का मतलब है वरनोटा, सी का मतलब है सिवोवा, चांजू पूरा शब्द ले लिया, चर का मतलब है चरचिंद, सिउल का मतलब है सिउल और तीस का मतलब है तीसा, भेड़ का मतलब है भेड़ा। बादल से गिरी बलजेडी साल, अलवर सी चांजू, चर गया सिउल, तीस भेड़ की खाल, ये आपने याद रखना है। हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की नदियाँ भाग तीन। डिटेल जानकारी के लिए ब्लॉग पोस्ट writestudiesguru.blogpost.com को भी आप क्लिक कर सकते हैं। अपडेशन के लिए जीके स्टडी ट्रिक्स को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की नदियाँ भाग तीन। डिटेल जानकारी के लिए ब्लॉग पोस्ट writestudiesguru.blogpost.com को भी आप क्लिक कर सकते हैं। अपडेशन के लिए जीके स्टडी ट्रिक्स को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।